हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदना एंड आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप लोग सब बहुत 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 ही अच्छे हो। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एल्प्स गुडनेस की ब्राउन हेना पाउडर की रिव्यू। इसका फुल डेमो मैं आपको दिखाने वाली हूँ एंड फर्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा हेना टाइप चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अपने हेयर पर हेना वगैरह कुछ करती नहीं हूँ बिकॉज आई एम वेरी लेजी। मुझे उतना टाइम नहीं होता है कि लगाओ बैठे रहो आराम से ये वो, पर फिर भी मैं इसको एक बार ट्राई करना चाहती थी। रिसेंटली मैंने purple.com से इसको परचेस किया है एंड इसकी सारी डिटेल्स मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विथ डेमो। तो बने रहिए वीडियो पर। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बात करते हैं अगर इसकी पैकेजिंग की, तो ये है एक कागज़ के पेपर के पैकेट में आपको आता है विथ अ सील पैक ओवर हियर। मुझे पता है कि यहाँ पर एक सील पैक है। यहाँ पर दो मार्क दिया हुआ है जहाँ से आपको इसको कट करना होता है। इसका पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है एंड इसका क्योंकि ये एक है ब्राउन नेचुरल हेना पाउडर, तो इसका कलर भी आप देख सकते हो बिल्कुल ब्राउन टाइप है। आई डोंट नो कि यही कलर हेयर पे आएगा कि नहीं, आई रियली डोंट नो। मैं इसको ट्राई करने के बाद ही मुझे पता चलेगा। एंड बात करते हैं इसकी अगर क्वांटिटी की, तो हमें मिल जाता है यहाँ पर 50 ग्राम का प्रोडक्ट। आप चाहो तो इसकी ज़्यादा वाला जो है ज़्यादा ग्राम्स का भी ले सकते हो, पर मैंने छोटा वाला लिया है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो अगर अच्छा लगा तो मैं ज़्यादा वाला लूँगी। एंड इसका प्राइस है 90 रुपीज़ एंड इसका शेल्फ लाइफ है फॉर 3 ईयर्स के लिए। 3 ईयर्स का इसका शेल्फ लाइफ है 90 रुपीज़ का। अच्छा, इसका बात करें अगर इसकी इंग्रेडिएंट्स की, तो एल्प्स गुडनेस जो है ये बिल्कुल 100% नेचुरल वाला प्रोडक्ट है एंड ये आपकी कलर हेयर में एक रिच कलर प्रोवाइड करेगा, आपकी हेयर को हाइड्रेट करेगा, कंडीशनिंग करेगा एंड रिपेयर भी करेगा। क्योंकि मेरी बहुत ही ज़्यादा कर्ली एंड फ्रीजी एंड वेवी हेयर है, तो मैं इसको ज़्यादा मेंटेन कर नहीं पाती हूँ क्योंकि गर्मियों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इची स्कैल्प एंड ऑल। एंड बाहर भी मुझे बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है क्लासेस ट्यूशंस के लिए। सो इसमें है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ जो आपकी स्कैल्प को सूथ करेगा, कूल करेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ये ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, ऐसा नहीं कि आपके ये हेयर है वो हेयर है तो आप नहीं कर सकते हो, ये ऑल हेयर टाइप के लिए है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड इसके और अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ तो ये प्रिजर्वेटिव फ्री है एंड 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट है। तो इसको अभी हम लगा के देखते हैं कि ये हमारे बालों पर क्या इफेक्ट करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक प्लास्टिक का बोल एंड स्पून, मैंने कोई मेटल यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। देन मैं यहाँ पर ले रही हूँ एल्प्स गुडनेस की ब्राउन हर्बल मेहंदी पाउडर, हेना पाउडर। पैकेट के अंदर एक और पैकेट है जिसमें ये हेना पाउडर है, तो मैं इस बड़ी स्पून की मदद से 4 स्पून ले लूँगी अपने हेयर लेंथ के हिसाब से। आप चाहे तो अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हो एंड देख सकते हो इसका टेक्सचर बिल्कुल हेना की टाइप ही है। देन इसके बाद मैं इसको अंदर रख के सील पैक कर दूंगी ताकि ये एयर टाइट हो जाए एंड ना गिरे, ये एक अच्छा चीज़ मुझे लगा इस पैकेट में है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ मेथी पाउडर एल्प्स गुडनेस की ही। आप ये ऑप्शनल है, आप इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। मेथी अपनी आपकी हेयर को थोड़ा सा और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। मैंने 1 चम्मच मेथी पाउडर लिया है। देन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एल्प्स गुडनेस की शिकाकाई पाउडर, ये आपकी बालों पर कंडीशनर का काम करेगा, अपनी आपके बालों को कंडीशन करेगा एंड एक स्मूथ इफेक्ट देगा। अब इस सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। मेथी पाउडर एंड शिकाकाई पाउडर मैंने 1 चम्मच करके लिया है। आप चाहो तो थोड़ा सा पानी या फिर दही के साथ भी इसको सिर्फ मिक्स करके भी लगा सकते हो। देन मैं यहाँ पर ले रही हूँ बारी बारी करके दही। यहाँ पर मैंने 4 to 5 स्पून दही लिया है एंड इसको मैं अच्छी तरह से दही को थोड़ा थोड़ा करके दे के मिला लूँगी जब तक ये एक थिक पेस्ट ना बन जाए। अभी मैं पूरा दही को डाल रही हूँ, अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो मिलाने के बाद ये है इसका पेस्ट एंड आप चाहो तो इसको थोड़ा सा पतला या मोटा आपके हिसाब से कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा वाटरी ना हो उसका ध्यान रखें। देन मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का टी ट्री ऑयल। मैं यहाँ पर 3 to 4 drops टी ट्री ऑयल यूज़ करूँगी अपने हेयर को एक्स्ट्रा स्मूथ स्ट्रेंथ एंड इची स्कैल्प से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि समर का मौसम है तो इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। एंड ये है इसका रिजल्ट। अभी मैंने पहन लिया है एक ओल्ड टी शर्ट, आप चाहे कोई पुराना टी शर्ट पहन लो ताकि आपका कपड़ा जो है वो गंदा ना हो जाए। एंड देन मैं अपने बालों को डिटेंगल कर लूँगी। डिटेंगलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड आउट नहीं होगा।
अभी मैं हेयर ब्रश की मदद से अपनी पूरी बालों पर इस पेस्ट को लगा लूँगी। अकेले लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। आप चाहे तो किसी की मदद भी ले सकते हो। मैं बालों के ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ, एकदम रूट से, देन मैं इसकी एंड तक इसको अच्छी तरह से स्प्रेड आउट कर लूँगी। पूरी पेस्ट को अच्छी तरह से लगा लीजिए, कोई भी जगह ना छूटे। मेक श्योर कि आप हर जगह पर इसको लगा लीजिए ठीक तरह से। तो पूरा तरीके से लगाने के बाद ये इसका रिजल्ट, और मैंने अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर लिया है क्योंकि ब्रश की मदद से थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो उसको हाथों की मदद से ही लगा लिया है। अभी मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूंगी। 1 घंटे बाद मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है एंड मैंने शैम्पू भी किया है। अभी बाल थोड़ा सा गीला है लेकिन कलर कुछ आया नहीं है खास, लेकिन बालों को एक्स्ट्रा वॉल्यूम एंड स्मूथनेस ये प्रोवाइड किया था। वॉल्यूम अच्छा आया था लेकिन कलर कुछ खास आया नहीं। धूप में थोड़ा थोड़ा ब्राउन लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ब्राउन पाउडर कुछ भी काम नहीं किया है, पर ठीक है कोई बात नहीं, मेहंदी का काम ये किया है आई थिंक। सो ये था इसका रिजल्ट। आई होप को ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये हेल्पफुल रहा आपके लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग से लेके।